हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका द की वेब चैनल पर स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रोचक जानकारियों से सुसज्जित प्रश्न उत्तर की अपनी श्रृंखला। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने चार प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए ज्ञानी जैल सिंह, बी के आर नारायणन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डी प्रणब मुखर्जी। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करें। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी के आर नारायणन। के आर नारायणन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 1992 से 1997 ईस्वी तक काम किया था। इस अवधि में उन्होंने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा तथा इंद्र कुमार गुजराल के साथ काम किया था। इसके बाद श्री के आर नारायणन का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 ईस्वी तक रहा था। इस अवधि में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल तथा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया था। इस तरह से श्री नारायणन ने चार प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तथा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया था। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए सरदार बलदेव सिंह, बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी के संथानम या फिर डी मोहनलाल सक्सेना। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया था और डॉक्टर मुखर्जी देश के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाए गए थे। लेकिन जब 8 अप्रैल 1950 ईस्वी को नेहरू लियाकत समझौता हुआ तो डॉक्टर मुखर्जी इसके विरुद्ध थे और विरोध स्वरूप उन्होंने 19 अप्रैल 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य को कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनका जीवन काल 376 ईस्वी पूर्व से लेकर 283 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर तत्कालीन नंद साम्राज्य का नाश किया था और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। इनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का एक महान ग्रंथ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, किसका शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अंकित करें। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी शाहजहां। शाहजहां पांचवां मुगल बादशाह था
उसने 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया। उसके काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी, जिसके कारण कुछ इतिहासकार उसके काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए बंदा बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी रणजीत सिंह या फिर डी दिलीप सिंह। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने छोटे सिख मिसलों को एकत्र कर 1799 ईस्वी में खालसा सिद्धांतों पर आधारित एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर पूर्व में पश्चिमी तिब्बत तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मिथानकोट तक फैला हुआ था। यह सिख राज्य 1799 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ए कोल, बी संथाल, सी बिरसा मुंडा या फिर डी कच्छा नागा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी बिरसा मुंडा। उलगुलान का अर्थ होता है असीम कोलाहल या महान हलचल। यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के अंतिम दशक में झारखंड क्षेत्र में हुआ था, जिसमें आदिवासियों ने जल जमीन जंगल पर अपनी दावेदारी के लिए विद्रोह किया था। यह झारखंड का सबसे बड़ा रक्तरंजित विद्रोह था। यह 1895 ईस्वी से लेकर 1899 ईस्वी तक चला था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, जोजीला दर्रा जोजीला माउंटेन पास किसे जोड़ता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए चंबा और स्पीति को, बी अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को, सी कलिम्पोंग और ल्हासा को या फिर डी श्रीनगर और लेह को। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी श्रीनगर और लेह को। जो जिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 11,575 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अत्यधिक बर्फबारी के कारण यह दर्रा शीत ऋतु में लगभग बंद ही रहता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए यूर्त, बी क्राल, सी ट्यूपिक या फिर डी इग्लू। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अंकित करते जाएं। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी इग्लू। उत्तरी ध्रुव के ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का तक एस्किमो लोगों का निवास पाया जाता है। एस्किमो अस्थाई घरों में नहीं रहते हैं, शीत ऋतु में ये बर्फ के टुकड़ों से अपना मकान बनाते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। इग्लू की बनावट अर्ध गुंबदाकार होती है। इसमें दाखिल होने के लिए सुरंग नुमा एक रास्ता बनाया जाता है। इस कारण से इसमें दाखिल होने या बाहर निकलने के लिए इन्हें रिंग कर जाना पड़ता है। सांस लेने के लिए इसमें ऊपर में एक छिद्र होता है। बर्फ के बने होने के बावजूद यह अंदर से बहुत गर्म होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है?
और आपके ऑप्शंस हैं ए टेम्स नदी, बी वोल्गा नदी, सी राइन नदी या फिर डी जायरे नदी। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करते जाएं। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। साथ ही यह नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है। इस नदी की लंबाई 700 मील है। स्विट्जरलैंड से निकलकर यह नदी स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी तथा जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा का निर्माण करती है। उसके बाद जर्मनी और हॉलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में विलीन हो जाती है। आज का 10वां प्रश्न अब देखते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील निम्नलिखित में से कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए मृत सागर, बी बैकाल, सी सुपीरियर या फिर डी कैस्पियन सागर। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित करें। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है जिसे अपने बड़े आकार के कारण सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका कोई बाह्य गमन नहीं है जिसके कारण इसका पानी केवल वाष्पीकरण के द्वारा ही बाहर जा पाता है। इसका खारापन 1.2% है जो कि विश्व के सभी समुद्रों के कुल खारापन का 33% है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।